नरेंद्र नगर विकासखंड के फकोट में ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र सिंह भंडारी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान युवकों और युवतियों ने पारंपरिक लोक नृत्यों, भाषण, लोकगीत, कविता लेखन, पोस्टर और एकांकी जैसे प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय आमपाटा ने सामूहिक प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि GIC फकोट की रिशिता ने भाषण, प्रमिला ने कहानी लेखन और प्रियांशु ने पोस्टर प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। लोकगीत में मनीषा रयाल ने भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को ब्लॉक प्रमुख भंडारी ने पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने स्वामी विवेकानंद की जीवनी और समाज उत्थान में उनके योगदान पर चर्चा की और सभी को उनके विचारों का अनुसरण करने की प्रेरणा भी दी है। युवाओं ने बताया कि ऐसे प्रतियोगिताओं में भाग लेकर उन्हें बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। युवा महोत्सव का आयोजन करने के पीछे जो मुख्य मंशा है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए एक उचित मंच, एक माध्यम है युवा महोत्सव। और जिस प्रकार से आज बच्चों के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुति दी गई, निश्चित रूप से इस युवा महोत्सव को करने का जो सरकार की मंशा है वो मंशा फलीभूत और पूर्ण हो रही है। इसके साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए युवा कल्याण विभाग, प्रांत रक्षक दल के द्वारा चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रतियोगिता हो, चाहे विभिन्न खेलों की प्रतियोगिता हो, उनको करने के पीछे सिर्फ यही मंशा है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को एक उचित मंच देकर इनकी प्रतिभा को निखारने का काम किया जाए। युवा महोत्सव कार्यक्रम हमारा जो होता है उसमें ब्लॉक स्तर, जनपद स्तर, राज्य स्तर पर कार्यक्रम होते हैं। यहाँ पे लोकगीत, लोक नृत्य, एकल नृत्य, डांस, फोटोग्राफी, लेखन, कहानी, इन सब में भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हमने यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें दूर दूर के पूरे विकासखंड से आगे बच्चों ने यहाँ पे प्रतिभा किया और बहुत ही अच्छा हमने देखा कि ग्रामीण बच्चों में बहुत ही अच्छी प्रतिभा है और ये युवा कल्याण विभाग द्वारा एक अच्छा मंच है। युवा संस्था के द्वारा प्रोग्राम हमारा प्रस्तुत हुआ है, इसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र के कई विद्यार्थी आए और स्कूल के भी कई बच्चे आए थे और मतलब सभी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि हमने भी, हम आगे भी कोशिश करेंगे कि हम इससे भी अच्छा परफॉर्मेंस दें। अब हमारा जिला होगा तो हम जिले में भी बहुत ही अच्छा करेंगे और चाहेंगे कि हम अपने ब्लॉक का नाम रोशन करें और अपने स्कूल का और नाम भी रोशन करें। जो हमारे यहाँ टीचर्स आके थे उन्होंने भी हमारे को बहुत योगदान दिया और सपोर्ट किया।